डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। शुरू करेंगे और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। स्पीड देखी तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग और सबको समेट लेते हैं, ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। राहुल गांधी जी ने जनता के जो मुद्दे हैं लड़ेंगे, खास कर जो कश्मीर की समस्या है, यहाँ असेंबली बनकर ये स्टेट बनेगा कश्मीर।